हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंगलेट रेसिपी, जो कि आपके रेगुलर ब्रेकफास्ट को ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा टेस्टी एंड प्रोटीन रिच बना देगी। चलिए शुरू करते हैं। सो मूंगलेट बनाने के लिए पहले मूंग दाल को हमें 4 से 5 घंटे पानी में सोख करके रखना है। अगर आप चाहो तो आप लुकवार्म वाटर में 1 घंटे के लिए भी सोख कर सकते हो। अब इस सोख मूंग दाल को ब्लेंडर जार में डाल के इसका एक पेस्ट रेडी करना है। पेस्ट की थिकनेस एग्जैक्टली वैसे होनी चाहिए जैसे इडली बैटर की होती है। बैटर हमारा रेडी हो गया। अब एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेते हैं और इसको ढककर 10 मिनट रख लेते हैं। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, जैसे कि चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड कैरेट, चॉप्ड शिमला मिर्च और ग्रीन चिल्ली। इसमें मैंने 1/2 चम्मच सॉल्ट ऐड की है। नाउ मिक्स ऑल ऑफ दिस, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैंने 1 चम्मच इनो सॉल्ट ऐड की है। आप इसमें थोड़ी सी हींग भी ऐड कर सकते हो। इनो सॉल्ट हमें पकाने से जस्ट पहले ही डालना है और इसे थोड़ा सा स्टर करेंगे। नोटिस करेंगे कि आप इसके बैटर फ्रॉथी हो रहा है। अब गरम पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल ली है। पैन को तेल से अच्छे से कोट करेंगे ताकि हमारा बैटर चिपके नहीं। मूंग दाल का बैटर अब हमें पैन में डाल देना है और इसे जेंटली प्रेस करना है। इसके लेयर थिक ही रहना चाहिए। कवर करेंगे। कवर करके इसे 2 मिनट तक पकने दें। दो मिनट के बाद हम इसे आराम से फ्लिप करेंगे। दो मिनट के बाद देखना दोनों साइड गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी। आप अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब नाइफ की हेल्प से हम इसको चेक कर लेते हैं। नाइफ की हेल्प से मूंगलेट को 4 पार्ट्स में कट कर लीजिए। अब हमारा मूंगलेट रेसिपी बनकर रेडी हो गया। आप इसे पुदीने की चटनी या इमली की चटनी के साथ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने टमाटो की चटनी ली है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा मूंगलेट रेडी हुआ है। मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से सॉफ्ट
और ऊपर से ये क्रिस्पी बना है। हेल्दी एंड टेस्टी मोंगलेट की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। ऐसे ही ढेर सारे रेसिपी मैंने आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।